अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र की कृषि उपज मंडी में शॉर्ट सर्किट के चलते अचानक से आग लग गई। आग ने धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लिया। इसी दौरान आग लगने की सूचना पाकर अग्निशमन की गाड़ियां और साथ ही पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर कड़ी मशक्कत के बाद जैसे तैसे काबू पाया गया। इस आग में भारी नुकसान होने की संभावना भी जताई जा रही है। भीषण गर्मी के चलते एक के बाद एक आगजनी की घटनाएं आए दिन सामने आती है और ऐसा ही कुछ नजारा अजमेर में देखने को मिला, जहां शॉर्ट सर्किट के चलते ये बड़ा हादसा हुआ। मौके पर पुलिस और साथ ही अग्निशमन विभाग की गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद कृषि उपज मंडी में लगी इस भीषण आग को रोकने का काफी प्रयास किया गया। बता दूं कि ये हादसा शॉर्ट सर्किट के चलते हुआ। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। भीषण गर्मी के चलते इन दिनों आगजनी की घटनाएं एक के बाद एक बढ़ती ही जा रही है और ऐसा ही कुछ नजारा अजमेर की कृषि उपज मंडी में देखने को मिला, जहां एक शॉर्ट सर्किट के चलते अचानक से आग लग गई। हमारा ये तेल का गोदाम है, वहाँ पर आग लगी है सुबह 4:45 बजे तक। बोला आदमी का फोन है, अब आग का कब से लग रही है ये पता नहीं, 2-1 घंटे हो गए आग को लग गए। अभी थोड़ा कंट्रोल में तो हुआ है लेकिन अभी भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। 50-60 लाख का तो मेरा गोदाम है।